नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसमें दो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिससे मार्केट ना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे ना न्यूज़ भी बात करते हैं, साथ साथ में ना टेक्निकल्स की भी बात करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा पहली बार आए हो तो। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। तो चीफ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का देवता दत्ता चंद, उनका कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्लान है ना, ये जो बिज़नेस इनका डबल करना है टोटल बिज़नेस को 48 लाख करोड़ में, 48 लाख करोड़ तक का करना है और ये 5 साल के अंदर करना है। ये एक तरह से स्टेटमेंट आया बराबर। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो जो है ना जेफरी, जैसे कि इनका ना Q4 का रिजल्ट आया उसको ना पूरा एनालिसिस करने के बाद में जेफरी जो है ना इनका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टारगेट है ना उसको बढ़ा दिए हैं और 340 रुपये तक का टारगेट दिए हैं। और मार्केट अभी कितने पर ट्रेड कर रहा है, तो 260 पे ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन ना पहले तो डाउन साइड रहा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी सभी रहा, तो इस वजह से प्रेशर आया। मगर ये जो न्यूज़ है आपको मैंने बताया वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। और अभी बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, टेक्निकल को समझते हैं। फिलहाल तो टेक्निकल है 250 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है यहाँ पे देखिए, एक तरह से ना पूरा एक रेंज बाउंड में आपको दिख रहा है। अभी ये जो है ना एक सपोर्ट लेवल है 250 का, मार्केट ट्रेड कर रहा है 260 का, 10 रुपये तक का इसमें सपोर्ट लेवल है और मार्केट अभी भी ना एक ग्रीन में 1.74% का। और पहला टारगेट कितना रहेगा हमारा अपसाइड में इस कैंडल का हाई तक का 270, दूसरा टारगेट रहेगा 282 रुपीज़ तक का। ये जैसे ब्रेकआउट ले लेता है तब अच्छा मूवमेंट हमको ना 300 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट के मूड की बात किया जाए तो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सभी जो दबाव में आ रहे थे तो उसके भी अभी सोल्यूशन निकल गया। जैसे अमित शाह जी हैं जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो मार्केट अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो 4 तारीख से पहले खरीद लीजिए, जून 4 तारीख से रिजल्ट आने वाला है और हमारा जो सरकार है वो आने वाली है, 400 सीट के साथ आ रही है। ये उनके तरफ से ना प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिला जैसे मार्केट में आया और ये तुरंत ही एक शूटअप अपसाइड देखने को मिला। तो ये जितने भी न्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिया। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।